बागवान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से आयान एंटरप्राइज़ ठियोग में आए हैं। इनके कुछ एक यहाँ पे जो बागवान भाइयों के लिए जैसे सीज़न शुरू होने वाला है तो एप्पल ग्रेडिंग मशीन के साथ साथ जो जनरेटर यूज़ होते हैं वो भी इनके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए आप, आगे हम आपको दिखाएंगे भी प्रॉपर कि किस तरह के है और रेट वाइज भी, और इसमें भी अलग अलग ग्रेड आते हैं जैसे बड़ा छोटा जो भी है। आगे भी ओनर है उनसे हम आपकी बात कराएंगे। और साथ में ये देखिए आप सीढ़ी, ये एल्युमिनियम की है, काफ़ी बेहतर रहती है खासकर हाई डेंसिटी जिन्होंने प्लांटेशन की है। लोहे की भी है इनके साथ, इनके पास आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, ये है ओनर संजय वर्मा जी आयान एंटरप्राइज़ के। तो संजय जी आप बताए पहले हमें जनरेटर के बारे में देखिए, इसके। जैसे कि ये जनरेटर लगे हैं डिस्प्ले में, हाँ जी ठीक है। ये अपना 7 किलोवाट का जनरेटर है। दिखाओगे अभी, एक बिल्कुल, निकालो ये तो आप देखिए, ये। ओके। ये हमारा 9500 मॉडल है। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, ठीक इसमें है। पावर मेंशन। आउटपुट और जो पेट्रोल टैंक है इसका, अच्छा, ठीक है। इसमें पेट्रोल डलता है कि डीजल? पेट्रोल पेट्रोल ओनली पेट्रोल वाले जो अच्छा, जनरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कितना, मॉडल्स है, पच्चीस पच्चीस लीटर मतलब 25 लीटर आता है यूजुअली, लीटर के हिसाब से ग्रेडिंग इसमें? अकॉर्डिंग टू साइज के पेट्रोल टैंक का आपका छोटा छोटा और बड़ा बड़ा होता जाता है। जैसे कि आपका बेस मॉडल है उसमें 15 लीटर का आएगा, फिर सेकंड वाला मॉडल है 20 लीटर का आएगा, जो से बढ़ाएगा 25 लीटर का। ये आपका 7 किलोवाट का जनरेटर है, उसके साथ आपका ये 1 किलोवाट का जनरेटर है जो घर के लिए यूज होता है मेनली, ठीक है। ओके। उसके साथ आपका ये 3.5 किलोवाट का जनरेटर है और ये साथ में 5 किलोवाट का, मतलब सारी सीरीज है हमारे पास, सॉरी, 1 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 7 किलोवाट तो का। इसका लेते हैं जैसे ये वाला है ना, देखो आप मान के चलो ये क्या है, पच्चीस ये लीटर इसका पेट्रोल टैंक है, पच्चीस लीटर 25 लीटर का। तो 25 लीटर मतलब कितना चल पड़ता होगा इसमें? ये आपका 1 आवर में आपका 600 ml, 1 घंटे में 600 ml पेट्रोल यूज होता है जनरेटर यूज़ में, होता जब है रेगुलर आपका यूज हो रहा हो। तो ये ग्रेडिंग मशीन के लिए यूज़ हाँ, होता एप्पल है। ग्रेडिंग मशीन के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जनरेटर यूज हो रहे हैं, हाँ हाँ साइलेंट और सेल्फ स्टार्ट जनरेटर्स है। ये देख सकते हैं आप यहाँ हाँ पे, हाँ बहुत अच्छा, सारे तो इसमें आवाज़ कैसी आवाज है? आती है, जस्ट लाइक जैसे कि आपके पावर सप्लाईज इंजन्स में जितनी आवाज नॉर्मल आती है, नॉर्मल नॉर्मल साउंड है, इतनी ज्यादा साउंड ज़्यादा नहीं है। भी जो नहीं। क्योंकि जो सुपर साइलेंट की रेंज आती है वो बहुत कॉस्टली आ जाती और है जो ये छोटे वाला ये घर के घर के पर्पस। यूज के लिए, जैसे 1 किलोवाट, 3 किलोवाट आप यूज कर सकते हैं, और 3 एप्पल ग्रेडिंग मशीन में भी यूज होता है, और जो ज्यादा मॉडल लगते हैं 3, 5 और 7 किलोवाट के लगते हैं। तो ये इसमें हो जाता है कनेक्ट बिल्कुल, ये आपका, एप्पल ग्रेडिंग मशीन के जो आपका कंट्रोलर पैनल होता है उसके साथ इसको हम एडजस्ट करके देते तो हैं, घर में कैसे घर में करेंगे आपका मीटर के साथ इसका कनेक्शन देते मीटर हैं के हम। साथ? बिल्कुल, ओके। और ये बाकी बताओ आप लैडर्स मुझे। हैं हमारे पास अलग अलग साइजेस में, 5 फुट, 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट, तो ये तो अच्छा, अकॉर्डिंग टू साइज इसके और कॉस्टिंग सबसे रहती मेन है। ये है आपका जो हमारे जो पास मल्टीपल टूल्स है एग्रीकल्चर के, टूल। सारे एग्रीकल्चर मशीनरी, ब्रश कटर, पावर सप्लाई, चेनसॉ, अंडर वन रूफ सारा सिस्टम है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सॉइल टेस्टिंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट तक का, एक्सेप्ट कार्टून, कार्टून को छोड़ के आपको कार्टन के सारा शुरू। कुछ मिल ओके। जाएगा। बाकी ये भी है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर भी सारा कुछ हमारे पास बायो में मिल जाएगा, आपको जो कंप्लीटली ये मिल चीज़ें है जाएगा। ना। हमारे पास बायो में आपका ट्राइकोडर्मा, सूडोमिनास, माइकोराइजा, IBA, एथेनॉल सारा कुछ ही मिल जाएगा आपको, ये लैब ब्रेविया में, बेसिलिका लैब यहीं पे बनाया हुआ है? लैब में बना हुआ है, हमारा अपना ब्रांड में है। और नेक्स्ट में हमारा ये विद फार्म प्लस के लोगों के साथ आएगा ये हमारा अच्छा, ये अपना। वाला। बिल्कुल, तो बागवान साथियों, अगर किसी ने परचेज करनी है यहाँ से जो हमारे फार्मिंग टूल्स होते हैं तो ले सकता है, इनको कांटेक्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।